मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। इन खूबसूरत लड़के लड़कियों को देखकर मुझे एक घटना याद आती है भैया। खूबसूरत खूबसूरत इसलिए भैया कि मैं भी शामिल हूँ उसमें। दुनिया में दो ही लोग खूबसूरत हैं, एक ऐश्वर्या राय, दूसरा बंसीधर मिश्रा। और हमारे टक्कर का नहीं है कोई तीसरा। वाह, गार्डन में इसके पास बच्चन है, इसके पास बोल बच्चन है। हाँ बंसीधर, गार्डन में दो प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं। तू क्या करने गया वहां? अब भैया किसी को बताना मत, वो प्रेमी मैं हूँ। ओए होए, ओए होए, वाह। तो प्रेमी ने भावुक होकर अपनी प्रेमिका से कहा कि प्रिय, शादी के बाद तुम मुझसे क्या आशा करती हो, क्या आकांक्षा करती हो? तो आजकल की लड़कियां देखिए भैया क्या चाहती है अपने पति से शादी के बाद। जी, कि आधुनिक प्रेमिका ने मॉडर्न प्रेमी से कहा, आधुनिक प्रेमिका ने मॉडर्न प्रेमी से कहा, प्रेम प्रीत प्यार अनुराग देना मुझे, जब बन जाऊं मैं तुम्हारी श्रीमती जी, जब बन जाऊं मैं तुम्हारी श्रीमती जी, रुपये पैसे गहने पे हिसाब देना मुझे, एक फूल भी घर मांगू मैं तुमसे, कदमों में ला के सारा बाग देना मुझे, और जब जी मेरा भर जाए तुमसे तो जैसे ही कहूं सनम तलाक देना मुझे। अच्छा भैया, तो प्रेमी भी कम से आना नहीं था, वो भी आधुनिक युग का प्रेमी। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो उसने भी जवाब दिया, बोला ऐ मेरी छल छबीली नखरीली खर्चीली, ऐ मेरी छल छबीली नखरीली खर्चीली, दिल की डीपी में तुझे सजाना चाहता हूँ मैं, तू ही हर पार्ट में है, किडनी जिगर हार्ट में है, चीर के प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ मैं, तुझसे है खूब प्यार बेपनाह बेसुमार, आज तुझसे मैं जताना चाहता हूँ मैं, और जब तक ढंग की कोई मिल नहीं जाती मुझे, तुझसे ही काम तो चलाना चाहता हूँ। एक हास्य व्यंग की कविता आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। कहाँ रखोगे, मतलब एरिया में किधर? इधर उधर, मतलब एरिया तलाश लो, किधर रखनी, किधर है? सबके दिलों में रखना। आए हाय, आए हाय, वाह वाह। शैलेश भैया, हर इंसान को एक घमंड है, भरम है, वहम है कि वो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण आदमी, हर इंसान सोचता है, और उसको ऐसे लगता है कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसके बिना घर का, मोहल्ले का, देश दुनिया का काम अटक जाएगा। हर आदमी इसी भ्रम में जीता है। एक रचना इसी के ऊपर, एक बार रात को मैं मर गया। अच्छा, मैं मरा सब हंस रहे, यही कलयुग है भैया, पोस्टर में, सपने में। एक बार रात को मैं मर गया, जैसे सब डरते हैं वैसे डर गया, देखा तो दरवाजे पे यमराज खड़े थे, मस्त अपने भैंसा ऊपर चढ़े थे, और मुझे आवाज लगा रहे थे, जल्दी आ यार मुझे भी बहुत काम है, मेरे लिस्ट में भी और कई लोगों का नाम है, जल्दी यार मुझे बहुत काम है, मेरे लिस्ट में भी और कई लोगों का नाम है। मैंने कहा यमराज जी अपना लिस्ट दिखाइए, किसका किसका नाम है बताइए। तो उन्होंने कहा सांची से लक्ष्मण नेपाली, पटना से अमनदीप, खैर इनको बैक डेट पे ले जाऊंगा कल, फिलहाल तू मेरे साथ चल। मैंने कहा यमराज जी थोड़े मुझे देखने दीजिए, मेरे मरने के बाद घर में क्या हो रहा है। पर तुमने दो नाम लिए, मोनिका को छोड़ दिया, यमराज भी डर गए क्या? नहीं भैया, क्या है, मैं उसी कारण तो जिंदा हूँ। अरे अरे हाय हाय, क्या बात है, है? इश्क, उसी के कारण तो जिंदा हूँ। नाम है उसका मोनिका हटीला, चप्पल मारेगी कटीला। खैर इनको बैक डेट पे ले जाऊंगा कल। मैंने कहा यमराज जी मुझे देखने दीजिए, मेरे मरने एक बात घर में क्या हो रहा है, कौन कितना दुखी है, कौन कितना रो रहा है। तो यमराज ने कहा मत देख, ये कलयुग है कि यहाँ कोई नहीं रोता, किसी के मरने से कोई दुखी नहीं होता। मैं बोला चुप यार, तू जानता नहीं मेरा कितना बड़ा इमेज है, मेरा अमिताभ बच्चन जैसे क्रेज है। मेरे मरने से मच गया होगा कोहराम, दिल्ली हो चाहे आसाम। यमराज ने कहा ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। यमराज ने कहा ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। देखा तो घर में कोई नहीं रो रहा था, देखा तो घर में कोई नहीं रो रहा था, मेरा भाई कम्बल ओढ़ के सो रहा था, मेरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म भर रही थी।
वाह, मेरी पत्नी नियुक्ति में बता दूं जिन लोगों को नहीं पता हो, सरकारी नौकरी में यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे सरकार मृत्यु के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देती है अनुकंपा पर, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, जिसे कहा जाता है अनुकंपा नियुक्ति। जी, मेरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फॉर्म भर रही थी, मेरी बच्ची मेरी कविता कहानी रद्दी बोरम धर रही थी, मोहल्ले के लड़की लड़का मेरे लाश के साथ सेल्फी ले रहे थे। वाह बच्चे रे वाह, मोहल्ले के लड़की लड़का मेरे लाश के साथ सेल्फी ले रहे थे, और मेरे भूखड़ दोस्त मेरे मरने के बाद खाने पीने का बहाना खोज रहे थे, लखन टाइप लोग। मेरे भूखड़ दोस्त मेरे मरने के बाद खाने पीने का बहाना खोज रहे थे, और इसकी 13वीं किसी 5-स्टार होटल में करेंगे सोच रहे थे। मेरे मरने से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे अर्थी उठाने के समय आने लगा, और मेरी अर्थी उठाने के लिए मोहल्ला का हर आदमी आलसी बन के कतराने लगा। सरपंच ने सलाह दी जेसीबी बुला के इसका लाश मरे कुत्ते जैसे फेंकवा दो। एक बुजुर्ग ने कहा बढ़ाई बुला के टुकड़े टुकड़े करवा दो। मेरा दोस्त बोला मरघट दूर है तालाब के पास जला दो। एक बुढ़िया दाई बोली कि यही घूरे में गड़ा दो। अपनी लाश की दुर्गति देख मैं शर्मिंदा हो गया, हड़बड़ा के उठा खाट पे, फिर जिंदा हो गया। वाँ, वाँ, जिंदा वाँ, हो गया। वाँ, वाँ। चलिए आखिरकार हम आ ही गए हैं। देखो तो बताइए, बहुत लंबा इंतजार रहा। तो नमस्कार सभी को। शैलेश जी, मुझे लगता है कि वाह भाई वाह के मंच पे बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है अभी तक, पर एक ऐसा टॉपिक जो कि अनछुआ रहा है वो है हॉस्टल डेज और उसमें रहने वाले हमारे यार दोस्त। आहा, आहा, आहा। है ना, है ना? वाह, वाह। मुझे लगता है मेरे साथ साथ आज आप सबको मजा आने वाला है। एक बस एक चीज ध्यान रखना अमन जी, हॉस्टल डेज की जो बातें सुना रहे हो ना, बस लैंग्वेज वो मत रखना। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया जी। तो शैलेश जी का आदेश मानते हुए, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखते हुए, नहीं वो वाली बोलना ही मत। अच्छा चलिए, मैं भूल ही गया वो वाली लैंग्वेज के बारे में। तो भूल तो बेटा लैंग्वेज वो जिंदगी बन नहीं सकता तू। जो हमारे दोस्त हमसे बोलते हैं वो भाषा हम कैसे भूल जाए, है ना? चलिए ठीक है, अब मैं सीधा शुरू ही कर देता हूँ कि छोड़ जाए घर कोई तो रो देते हैं ये यार दोस्त। आए हाय, आए हाय, ठीक बात है कि नहीं? कि छोड़ जाए घर कोई तो रो देते हैं, तो रो देते हैं ये यार दोस्त, वगर ना पूरी कायनात के बाप है मेरे यार दोस्त। हाय, वाह, क्या बात है यार। कि छोड़ जाए घर कोई तो रो देते हैं ये यार दोस्त, वगर ना पूरी कायनात के बाप है मेरे यार दोस्त, और एक रोज ले ही लेते हैं बंगला गाड़ी सोना सब। कि एक रोज ले ही लेते हैं बंगला गाड़ी सोना सब, गोवा जाने की परमिशन नहीं ले पाते यार दोस्त। पूरी कॉलेज लाइफ की सबसे बड़ी दुविधा कि एक रोज ले ही लेते हैं बंगला गाड़ी सोना सब, गोवा जाने की परमिशन नहीं ले पाते यार दोस्त, और हफ्ते के बाकी दिन दफ्तर बिखरा रहता गद्दे पर। कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम में यही हुआ हम सबके साथ कि हफ्ते के बाकी दिन दफ्तर बिखरा रहता गद्दे पर, हफ्ते के आखिर दिन दारू और सुनहरे यार दोस्त। के दारू और सुनहरे यार दोस्त, और अना की खातिर तोड़ सभी की हड्डी पसली एक करें। अना स्वाभिमान ईगो जी, के अना की खातिर तोड़ सभी की हड्डी पसली एक करें, बाल आंख का टूट जाए तो दुआ मांगते यार दोस्त। हाय, अरे वाह, अरे बढ़िया शेर है यार अमन, अरे वाह क्या बात है यार, वाह। अना की खातिर तोड़ सभी की हड्डी पसली एक करें, बाल आंख का टूट जाए तो दुआ मांगते यार दोस्त, और बोल रहे हैं गाड़ी तेरा भाई आज चलाएगा। अच्छा कब बोलते हैं ये सबको पता है? कब बोलते हैं ये सबको पता है? हाँ। कि बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, तेरा भाई चलाएगा। बिल्कुल निजी तजुर्बा है सर, तेरा भाई चलाएगा। बोल रहे हैं
गाड़ी तेरा भाई आज चलाएगा, किसकी मौत आई है रब जाने या जाने यार दोस्त। किसकी मौत आई है रब जाने या जाने यार दोस्त, और सारी क्लासेस में वो सबसे पीछे जाकर बैठ गए। हाय हाय, सारी क्लासेस में वो सबसे पीछे जाकर बैठ गए, मेरे लिए जब जा देनी थी आगे आए यार दोस्त।